नमस्कार, मैं अनीता और आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज़। चौंकिए मत, ये नज़ारा किसी नहर और तालाब का नहीं है, ये स्टेशन रोड वाली सड़क का नज़ारा है। अररिया कोर्ट स्टेशन वाली सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। कई जगह पर ये अति महत्वपूर्ण सड़क बड़े बड़े गड्ढे के कारण तालाब में तब्दील हो गया है। हर दिन इस सड़क पर दुर्घटना होती रहती है। आखिर कब बनेगा ये सड़क? लगता है कोई बड़ी दुर्घटना के इंतजार में है। इस सड़क पर चलना मानो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने जैसा है। एक तो पूरा सड़क ही पूरी तरह जर्जर हो गया है, उस पर से तालाब नुमा गड्ढा और जानलेवा साबित हो रहा है। प्रखंड से लेकर जिला स्तर के दर्जनों कार्यालय इस रोड पर अवस्थित है, जहां हर दिन हजारों लोगों का आना जाना होता है। पूरे जिला से लोग दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता और कटिहार जोगबनी जाने के लिए इस सड़क से स्टेशन आते जाते हैं। लोग जान जोखिम में डालकर इस सड़क पर चलने को विवश हैं, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है इसका। इस सड़क की ये स्थिति पिछले 10 वर्षों से ऐसी ही है, लेकिन जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन के लोग भी अंधे और बहरे बने हुए हैं, क्योंकि ये समस्या उन्हें दिखती ही नहीं और जनता जब आवाज़ उठाती है तो सुनते भी नहीं है। लोगों ने बताया कि ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को जन समस्या से अगर कोई मतलब नहीं है तो मानवता भी इनके अंदर मर चुकी है। आखिर जनता सड़क पर वाहन का टैक्स किस बात का देती है? गर्भवती महिला एवं दिव्यांग लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चे भी दुर्घटना को लेकर काफ़ी भयभीत रहते हैं। इस सड़क पर सफ़र करने वालों का अपने जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक पदाधिकारी से विश्वास उठ चुका है। लोगों ने अब इस समस्या को लेकर जिला पदाधिकारी से आग्रह किया है कि वो अब खुद व्यक्तिगत रुचि लेकर जनहित में इस समस्या के समाधान की दिशा में पहल करें। 40 साल से हम यूं ही देख रहे हैं, रोड की जो हालत है स्टेशन रोड की यूं ही है, ऐसे ही है, बस से बदतर है। दिन ब दिन जो है हालत खराब है, आने जाने वाले को काफी दुश्वारी होती है और यहाँ तक के आपको कि बरसात के जमाने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और जितने लोग चलते हैं टायर बजाय 6 महीना कि 3 महीने में टायर उसका उड़ जाता है। रोड की ये हालत है, जबकि अररिया का नाम ही है स्टेशन रोड। स्टेशन रोड काफी अच्छा और बेहतर होना चाहिए, आम जनता का भलाई हो, लेकिन रोड की हालत एकदम बस से बदतर है। हाँ, हम सरकार से भी अपील करते हैं कि इसको जल्द से जल्द, नेता लोग हैं सर उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपको MLA साहब का रोड है। हाँ, ब्लॉक भी इसी लाइन में है। हाँ, कृषि विभाग इसी लाइन में है, सारी चीज इसी लाइन में है और स्टेशन बन रहा है और सबको जरूरत है रोड का अच्छा होना। ये हम जनता की भलाई का काम है भैया। ये सामने मेरा घर है, आप पीछे कैमरा करके दिखा दीजिए, ये गड्ढा देखिए, पोखर की तरह लग रहा है। रोज मतलब कि टोटो, बाइक, टेम्पू कुछ भी पलटता है। अभी कल भी एक लेडीज गिर गई, उसका सर पड़ा तो हम लोग जो कि अंदर लेकर के गए लोगों को, फिर जो हॉस्पिटल भेजे, तो डेली ये मामला होता, थक गए, परेशान हो गए। इससे कोई ना तो प्रशासन कुछ करता है, ना तो अपना जो है कि MP साहब कुछ करते हैं, ना MLA साहब कुछ करते हैं। मतलब किसके अंडर में ये रोड आता है, किसका है कुछ पता ही नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है। रोज घटना होता है। हाँ, रोज यहाँ पे ये इस गड्ढे में रोज गिरता है, किसी को पूछिए, रोज क्या दिन में 4-5 भी गिर जाता है, टोटो पलट जाता है बिल्कुल, सर फट गया। परसों तरह से बताया तो आज सुबह भी एक टोटो वहाँ पे पलटा है। कभी कभी कई बार दूध वाले का दूध गिर जाता है, एक बार बच्चा गिर गया टोटो से टक्कर के। क्या नाम इस रोड की? स्थिति हमारे 10 साल हो गया, अभी तो इनको कोई देखने वाला नहीं है। इनकी जर्जर स्थिति है कि रोज गाड़ी पलटती है, चाहे टोटो हो चाहे ऑटो हो, हमारे चंद्रदेव पंचायत के लोग आते जाते हैं, स्टेशन भी जाने वाले, ब्लॉक के पदाधिकारी भी जाते हैं, लेकिन इस रोड का कोई माँ बाप नहीं।